हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर वाला डोरमेट बनाना बताऊंगी। आप इसे डोरमेट में यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए, आप इसे टेबल मैट में यूज कीजिए, आप इसे थालपोश के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा तीन कलर में बन के आएगा। देखिए, मैंने एक क्रीम कलर ले लिया है, एक रेड, एक ग्रीन, और मैंने देखिए तीनों उनको फोल्ड कर लिया है इस तरह से, ऐसे इस तरह से। देखिए, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप सिंगल से भी बना सकते हैं, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप इसे फोल्ड कर लें। तो मैंने तीनों ऊन को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैंने 9 नंबर के नीडल्स ले हैं। देखिए, ये वाली 9 नंबर की मैंने इसमें नीडल्स ले ली हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम 32 फंदे डालेंगे, 32 फंदे डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम, तो 32 फंदे डालने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस तरह से ये देखिए देखिए हम इसे ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और देखिए इस बड़े वाले को ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5 6, 7, 8। देखिए ऐसे ही डालते हुए हम इसमें 32 फंदे डाल लेंगे। तो 32 फंदे डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 32 फंदे डाल लिए हैं, यानी 32 फंदे डाल लिए हैं। देखिए, मैं शुरू से ही आपको इस डिजाइन को बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम फंदे उतार लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। देखिए यहाँ पर मैंने ये 18 फंदे बना लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये देखिए, 18 फंदे डालने के बनाने के बाद हम यहाँ पर रेड कलर ऐड कर देंगे। रेड कलर से हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 फंदे मैं रेड कलर से बना लूँगी, ऐसे। देखिए, इस फंदे को ऐसे आगे की तरफ लेंगे, ये 2 फंदे मैंने रेड कलर से बना लिए। और अब देखिए, हम वापस से ही कलर ले लेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे मैंने क्रीम कलर से बनाए और 2 फंदे यहीं पर छोड़ देंगे पीछे और वापस यहीं से पलट जाएंगे।
देखिए सीधी सिलाई में हमें जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाना है। देखिए ऐसे बना लेंगे पूरी सिलाई, जो भी फंदा जिस कलर से है वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए क्रीम धागा पीछे करेंगे और रेड वाला आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे रेड कलर से बना लेंगे। जो फंदे जिस कलर से हैं वैसे ही बनाने हैं। देखिए फिर रेड को पीछे लेके जाएंगे और क्रीम को आगे लेके आएंगे ऐसे। इस तरह से देखिए पूरी रो सीधा जो है ये जो भी फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और लास्ट वाला फंदा देखिए सीधा बना लेंगे ये इस तरह से। अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। ये 18 फंदे देखिए हम क्रीम कलर से बना लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, 18 फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए 18 फंदे मैंने क्रीम कलर से बना लिए हैं और दो फंदे मैं यहाँ पर रेड कलर से बना लूंगी। और अब हम देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगा लेंगे। ग्रीन कलर से हम देखिए 8 फंदे ग्रीन कलर से बना लूंगी। देखिए 3 4 5 6 7 और 8 फंदे मैंने ग्रीन कलर से बना लिए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए सीधी रो को हम जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। देखिए तो चलिए इस रो को देखिए ग्रीन वाले फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से। ऐसे देखिए धागा पीछे करेंगे और रेड वाला धागा आगे लेके आएंगे और दो फंदे रेड कलर से बना लेंगे ऐसे। धागा पीछे करेंगे और क्रीम वाला आगे करेंगे। तो देखिए ये क्रीम वाले फंदे बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। देखिए अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखिए 14 फंदे क्रीम कलर से बना लिए हैं और ये 4 फंदे जो छोड़े हैं इनमें से 2 फंदे हम देखिए रेड कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए। अब हम इन सभी फंदों को क्रीम कलर से बना लेंगे। देखिए 1 2 और ये रेड वाले भी हम क्रीम कलर से बनाएंगे, 4
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। देखिए 10 फंदे मैंने क्रीम कलर से बना लिए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे, 2 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए सीधी सिलाई में हमें जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाने हैं। ये देखिए पर देखिए हमारा ये एक फ्लावर बन के कंप्लीट है। इस तरह से देखिए धागा पीछे करेंगे और रेड वाला आगे करेंगे, 2 फंदे रेड कलर से बना लेंगे और देखिए क्रीम वाले फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे। क्रीम वाले फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए इससे हमारी प्रॉपर किनारे बन के आएगी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से देखिए हमारा ये एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। देखिए सीधी सिलाई में हमें जो फंदे जैसे थे अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरी सिलाई पे हैं हम। देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये देखिए रेड वाले फंदे रेड कलर से बना लेंगे, 1, 2। अब देखिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 फंदे बना लिए, 2 फंदे छोड़ दिए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से बना लेंगे। देखिए ग्रीन वाले ग्रीन कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए धागा पीछे करेंगे और रेड वाला आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए ये पीछे करेंगे और करीम धागा आगे करेंगे तो क्रॉस करवाते हुए देखिए इस तरह से ये देखिए करीम वाले फंदे करीम कलर से बना लेंगे। लास्ट वाला सीधा बना देंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 4 फंदे क्रीम कलर से छोड़ेंगे और यहाँ पर हम देखिए अपना तीसरा फ्लावर बनाएंगे। 2 फ्लावर हमारे बन गए हैं, यहाँ पर हम रेड कलर लगाएंगे। देखिए 1, 2 और अब देखिए 10 फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे, 1, 2,
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे और यहाँ पर यहीं से पलट जाएंगे। और देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से हम बना लेंगे। तो देखिए दो फ्लावर हमारे बन चुके हैं और तीसरा फ्लावर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए और इस ग्रीन वाले को टाइट करते हुए जाएंगे। अब देखिए सीधी रो में सीधा सीधा बनानी है और यहाँ पर देखिए रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे। धागे को क्रॉस कराते हुए देखिए फिर से क्रीम वाले क्रीम कलर से बनाएंगे। सीधी सिलाई में जो भी फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए जाना है। और लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। देखिए इस फंदे को उतारेंगे और 10 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और देखिए दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे। और देखिए अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे 8 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे बनाए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। देखिए अब सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए धागा पीछे करेंगे और रेड वाला धागा आगे की तरफ लेके आएंगे। रेड वाला पीछे करेंगे, क्रीम वाला आगे लेके आएंगे और ये देखिए क्रीम फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे और लास्ट वाला सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाए और 4 फंदे हमें फिर से छोड़ दिए हैं। बीच में देखिए हमें 4 फंदे छोड़ने हैं। यहाँ पर देखिए हम 2 रेड कलर के बनाएंगे और यहाँ पर देखिए सभी फंदे हम क्रीम कलर से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे 1, 2, 3 फ्लावर बन गए हैं। सीधी सिलाई में हम देखिए यहाँ पर देखिए रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे
धागा पीछे करेंगे और क्रीम वाला धागा आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसे क्रॉस करवाते हुए आगे की तरफ लेके आए, धागा पीछे करेंगे और फर्स्ट फंदे को देखिए सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए उल्टी सिलाई में हमें इस फंदे को हम उतार लेंगे और छह फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे। और देखिए अब दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे ऐसे। और देखिए अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाए और वापस यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे हमें यहाँ पर छोड़ दिए। और देखिए इस फंदे को बना लेंगे, सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, रेड धागा आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। देखिए धागा पीछे करेंगे और क्रीम वाला धागा आगे की तरफ लेके आएंगे और छह फंदे देखिए यहाँ पर, देखिए इस फंदे को टाइट कर लेंगे रेड वाले धागे को, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। देखिए अब हम पांचवें फ्लावर पे आ गए हैं तो दो फंदे बनाएंगे और ये देखिए चार फंदे देखिए, ये दो फंदे बनाए और देखिए एक दो तीन चार देखिए यहाँ पर ये फंदे हम क्रीम कलर से बना लेंगे, सॉरी ये देखिए यहाँ पर हम ये फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस, दस फंदे बनाए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक बार जो हमें ये क्रीम फंदे हैं ये दस कलर दस फंदे बनाने हैं और ग्रीन वाले आठ फंदे बनाने हैं और दो दो फंदे यहाँ पर इस तरह से देखिए। देखिए दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे देखिए इस तरह से। ये देखिए उल्टी सिलाई में हमें इस फंदे को उतार लेंगे, एक रेड को देखिए रेड कलर से बनाएंगे ऐसे और यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे ग्रीन कलर से बनाएं और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है हमें। धागा पीछे करेंगे और रेड वाले फंदे देखिए रेड कलर से बना लेंगे, क्रीम वाले क्रीम कलर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। अब देखिए हम ये सभी फंदे इस फंदे को उतारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे क्रीम कलर से बनाए और दो फंदे छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से देखिए उसी भी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापिस यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे छोड़ देंगे। सीधी सिलाई में हमें जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से देखिए। और देखिए अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ पर देखिए ये फंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे बनाए और वापस यहीं से पलट जाएंगे। फिर से देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर देखिए अब हम फिर से ग्रीन कलर लगाएंगे। 1 2 3 4 4 फंदे बनाए, दो फंदे पीछे छोड़ दिए। और देखिए यहाँ पर सीधी सिलाई में हम इन फंदों को ग्रीन कलर से बना लेंगे। अब देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं उल्टी साइड। तो ये दो फंदे हम क्रीम कलर से बना लेंगे और लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस तरह से बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने लास्ट तक इसे हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच फ्लावर पूरे हो गए थे, तो लास्ट में हमें इस तरह से लास्ट तक बना दिया है। अब देखिए हमें ये दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेंगे, ये पूरी रो हम ग्रीन कलर से बना लेंगे। अब 1 2 3 4 5 देखिए पूरी रो ग्रीन कलर से बनाएंगे। देखिए अब हम पांचवें फ्लावर पे आ गए हैं, तो दो फंदे बनाएंगे और ये देखिए चार फंदे, देखिए ये दो फंदे बनाए और देखिए 1 2 3 4 देखिए यहाँ पर ये फंदे हम क्रीम कलर से बना लेंगे, सॉरी ये देखिए यहाँ पर हम ये फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 दस फंदे बनाएं और वापिस यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। यहाँ पर देखिए जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक बार जो हमें ये क्रीम फंदे हैं ये 10 फंदे बनाने हैं और ग्रीन वाले 8 फंदे बनाने हैं और दो दो फंदे यहाँ पर इस तरह से देखिए। देखिए दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे देखिए इस तरह से।